So today we have a Maruti CR. As you can see, there's a diesel variant. Oil consume कर रही है, तेल खा रही है basically. And जो देखो scratch हालत देखो. ये देखो. Hello people, welcome back to the channel and welcome back to another video. So today we have a Maruti CR. As you can see, this is a diesel variant और गाड़ी चली हुई है approximately 111,000 किलोमीटर. गाड़ी है 2015 मॉडल. गाड़ी में इशू ये है कि गाड़ी जो है ऑयल कंज्यूम कर रही है, तेल खा रही है बेसिकली. एंड जो क्लाइंट हैं वो गाड़ी चेक करवा चुके हैं कंपनी में भी, टर्बो भी इसका चेंज करवा चुके हैं, लेकिन इशू नहीं गया. तो बेसिकली गाड़ी का इंजन ही खुलेगा क्योंकि जो है कंप्रेशन है वो वीक हो गया है, पिस्टनिंग वगैरह वो कट गए होंगे. तो इंजन इसका उतरने जा रहा है अब गाड़ी से. इसकी वीडियो बनाते हैं, टाइम लैप्स बनाते हैं. इंजन जब उतरेगा खुलेगा तब चेक करके आपको बताएंगे और क्लाइंट को भी कि क्या क्या हमें इसमें ख़राब मिला और क्या क्या पार्ट इसके डलेंगे. तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं. इसका जो टाइम लैप्स है वो शुरू करते हैं. सो पीपल, फाइनली गाड़ी का जो इंजन है वो बाहर आ गया गाड़ी से. अब इसकी खोला खाली चल रही है और आज तो सबने मिलके बहुत जल्दी उतार दिया. आई थिंक दो ढाई घंटे में इंजन नीचे आ गया. बट आज बारिश, मौसम देखो, पूरी बारिश की जड़ी लगी हुई है. तो अब खोलते हैं इसको और देखते हैं कि इसमें क्या इशू है और क्या क्या इसमें सामान डलेगा. तो टाइम लैप्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं. तो पीपल, आपको आवाज़ आ ही रही होगी, ये हीटर प्लग हैं जो हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं. और आवाज़ देखो ये कितनी कर रहे हैं, बिल्कुल जाम पड़े हैं. देख रहे हो, पता नहीं वीडियो में तो आवाज़ आ रही है उतनी नहीं आ रही, लेकिन लिटरली ऐसी आ रही, कानों में चुभ रही है. बिल्कुल जाम पड़े हैं. और यहाँ रंजीत भैया इसके पीस खोल रहे हैं. तो अभी ब्लॉक सीधा करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा. जो पिस्टन की सिलेंडर स्लीव होती है उसमें पूरे साइड पे ग्रूव बने हुए हैं. दो नंबर का
इस पे भी देखो स्क्रैच हालत देखो, देख रहे हो भाई साहब पूरा रफ हो गया। आपको लग रहा होगा ये ऑयल जमा हुआ है बट ये एक्चुअली पूरा खुरदरा हो गया, बैंड बजी हुई है। इसमें रखना है था तो अभी जब ब्लॉक सीधा होगा ना मैं आपको सिलेंडर स्लीप भी दिखा दूंगा, उसमें पूरे राउंड में ऐसे ना ग्रूव बन गए तो डेफिनेटली लीक तो होगा ही। दिखाना है एक बार पिस्टन, पिस्टन रिंग भी कटे हुए हैं काफी। रंजीत भैया क्या हालत है रिंग की? हाँ चिपका तो ये भी पड़ा था, मैंने छुटाया इसको। इसका बैरिंग के क्या हाल है? बैरिंग खत्म है तो बेसिकली गाइस वही है। यहाँ पे भी देखो पता नहीं आपको स्क्रैचेस दिखे हैं कि नहीं, स्क्रैचेस दिख रहे हैं। और एक बार ये सीधा हो जाए या फिर मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ आपको दिखा दूँ। एक बार हटना विनोद भैया, यहाँ पे पता नहीं आपको एक ग्रुप दिखे ना दिखे, पूरा ग्रुप आया हुआ है। वीडियो में तो खैर इतना पता नहीं लग रहा, और यहाँ पे ना एक बबल जैसा बना हुआ है। इसको घुमाना जरा रंजीत भैया, बस 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 यहाँ पे शायद दिखे फिर भी ऐसे दिख नहीं रहा, पूरा ग्रुप बबल जैसा बना हुआ है। कपड़ा पड़ा है कोई? कपड़ा दे दो यार। बस बस हो गया, रहन दे, बस रहन दे, हो गया। गाइस ये एरिया देख रहे हो आप, अगेन वीडियो में पता नहीं लगेगा लेकिन जब आप इसे फिंगर लगाओगे ना तो आपको एक ग्रूव फील होगा। एक यहाँ से हल्का सा एक उठावट है, एक जगह ऊपर है एक जगह नीचे है, तो वही जगह है जहाँ से बेसिकली ऑयल जो है वो कंजम्पशन शुरू हो जाती है, ऑयल खाने लगता है इंजन और वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट में जाने लगता है। और ये नीचे की मतलब जहाँ पे मैं फिंगर मार रहा हूँ यहाँ पे फिर भी कम है, ऊपर की तरफ और ज़्यादा है जो कि वीडियो में अभी पता नहीं दिखा पाऊंगा कि नहीं। यहाँ पे ये एरिया इस वाले में उतना नहीं है जितना इस वाले में है, इसमें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये देखो यहाँ किनारी निकली हुई पूरी है, यहाँ हाथ लगाओ, वही वही। तो ये है इंजन का इसमें इश्यू जिस वजह से ऑयल कंज्यूम कर रहा है। अब खुल गया है, इसका लिस्ट बनाते हैं पार्ट्स की कि क्या क्या आएगा, उसके बाद जो हेड है उसको लैथ वर्क पे भेजेंगे एंड फिर काम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस घर जाने से पहले एक चीज़ और, ये देख रहे हो ये नीचे वाला जो रिंग है ये यहाँ तक है और यहाँ ये टूटा हुआ है और यहाँ सबसे इधर वाला तो ये वही वाला है गाइस सिलेंडर जो मैं दिखा था जिसमें सबसे ज्यादा ग्रूव था, कोई टूटा हुआ नहीं इसमें, सारे ठीक है। गाइस दिस इज अनदर रीजन जिस वजह से ऑयल कंजम्पशन हो रही है, इसका जो ऑयल रिंग है वो ही टूटा हुआ है, आपको क्लियरली वीडियो में दिख रहा होगा। ये देखो तो चलो घर चलते हैं, बाकी काम कल कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस ये अपडेट है 3-4 दिन बाद का, जो काम था वो लैथ वर्क से होके आ गया है, पिस्टन नए डाल रहे हैं हम। ये देखो ब्रांड न्यू पिस्टन है
पिस्टन रिंग्स जो हैं वो नए हैं, बिकॉज आपने देखा था कि पहले वाले उसमें घिसे हुए थे और एक मतलब टूटा ही हुआ था, ठीक है। और ये बैरिंग भी नए हैं और मेन बिगिन भी नए हैं, ठीक है। आप देखो, हाँ जी, क्रैंक लग गई है, क्रैंक लग गई है, क्रैंक इधर से लग गई है, वो भी पॉलिश हो गया ये। हाँ। तो वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये क्रैंक लग गई है, इसको भी अच्छे से क्लीन करवा दिया है, पॉलिश करवा दिया है, ठीक है, ताकि जितने स्क्रैच थे वो सब हट जाएं। अब रंजीत भैया पिस्टन जो है वो अंदर डालने लगे हैं, तो टाइम लैप शुरू करते हैं सीधा बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। बाकी एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगा कि इसका टोटल बिल जो है वो कितना बनेगा। तो गाइस पिस्टन्स आर इन, तो अपना देसी स्टाइल इसका कंप्रेशन चेक करने का। रुको माइक यहाँ पास कर देते हैं। तो पिस्टन आर इन, अब आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो पीपल अपडेट ऑन द सीआईएस इंजन, एज यू कैन सी फिटिंग चल रही है। मैंने अभी इसका टाइम लैप्स जो है वो बंद कर दिया है, रीजन बीइंग अब सीधा वहाँ से कंटिन्यू करेंगे जब इंजन जो है वो गाड़ी में माउंट हो रहा होगा, चढ़ रहा होगा, बिकॉज इसकी तो आपने पहले ही बहुत वीडियोस देखी होंगी, मैं कहा फालतू में लंबा नहीं करते। एंड द सेकेंड रीज़न इज मैं कहीं जा रहा हूँ, फ़ोन वैसे मैं ललित को ही दे के जा रहा हूँ, बट वही है, ये सब फ्लाई व्हील लगेगा और जो थोड़ी बहुत वायरिंग है, फिटिंग है, इंजेक्टर लगेंगे, वो सब लगेगा, तो नथिंग मेजर। तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे जब गाड़ी में माउंट हो रहा होगा इंजन।
सो गाइस दिस अपडेट इज आफ्टर टू डेज. कल था वीक ऑफ, तो इंजन चढ़ चुका है. एंड जैसा हमने टाइम लैप्स में देखा होगा कि इंजन चढ़ने की कोई वीडियो नहीं है, बिकॉज मैं जैसे बताया था मैं कैमरा छोड़ के जा रहा हूँ ललित के पास, बट रंजीत भैया ने बंद कर दिया था एंड ये ऑन करना भूल गए, तो क्या कर सकते हैं, इसलिए इंजन चढ़ने की कोई वीडियो ही नहीं है. अब जो आएगा काम होगा. ये देखो मेरे को घूर रहे हैं, मारोगे क्या? So, अब क्या करेंगे, अब जो काम हो रहा है अब उसका टाइम लैप्स कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, इंजन की सारी आप देख सकते हो, फिटिंग वगैरह तो हो ही गई है. अब जब स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको अपडेट करता हूँ, देखते हैं ये कितनी इजीली या कितनी मुश्किल से स्टार्ट होती है, बिकॉज ये भी डीजल है और डीजल हमेशा स्टार्ट होने में बहुत नखरे दिखाते हैं. सो लेट्स सी. सो गाइस फाइनली अब इंजन स्टार्ट करने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है. अभी इंजेक्टर्स में से हवा निकाल रहे हैं, मतलब देख रहे हैं डीजल जो है वो प्रॉपरली आ रहा हो. उसके बाद टाइट करके फिर देखेंगे ये स्टार्ट हो जाए. चलो आया इसमें, चलो तो अब लगाया जा रहा है इंटरकूलर. या इंटरकूलर इंटरकूलर लगा के चेक करते हैं. पेट्रोल सुंगाना है तो ये बड़ी भसड़ है डीजल गाड़ियों में, ये स्टार्ट नहीं होती जल्दी से. सो गाइस तब से कोशिशें चल रही हैं बट ये स्टार्ट नहीं होके दे रही. रंजीत भैया टाइमिंग चेक कर ली? ओके अरे टाइम की दिक्कत नहीं है यार, डीजल प्रेशर से नहीं आ रहा ना शायद. ये काशी भैया टेढ़ी खड़ी है, सोचे तो नहीं हो रहा? आप दिखा रहा है नहीं करो खाली नहीं आ रहा यार, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया करना चाहिए हम भाई. यहाँ तो आ रहा है भाई, प्रेशर से आ रहा है. मारियो चलो मारू. हाँ बोलिए. हाँ टाइट कर टाइट कर. हवा शायद बबल बन गया होगा. चलना डीजल गाड़ी की बैटरी ला, स्टॉक डाला बलिनो का. क्या इसको पेट्रोल सुंगाया जाए काशी भैया? नो अभी बोलेगी यार, एक मिनट में बोलेगी. बोलेगी चलियो
खाली इग्निशन ऑन करना। काजिया किसका है देखना। चलो इग्निशन ऑन। ये गौरव उसको दे दे। चल दे देंगे तुझे। करना ऑन करो। वरना साइन ओ नहीं आ रहा। हां तो रहा नहीं आ रहा। प्रेशर से कहां है? बूंद बूंद टपक रहा है। मारना चलना। हाँ भाई मारना चलो। आइस फिर से ट्राई मारते हैं एक बार और। ये हो गया स्टार्ट। लाइट दिखाना। ओ भाई लाइट दिखाओ। तो किस पर कपड़ा लगा के देखो ना। पाइप खोली हवा निकाली। बंद करिए। और हो गया स्टार्ट। फाइनली चलो अब स्टार्ट तो हो ही गई है। हम इनको अपना काम करने देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम लैप्स उसका बनाएंगे जब आएगी फिटिंग होगी। So we will, as you just saw, गाड़ी की फिटिंग हो गई है सारी आगे से। हेडलाइट बम्पर ग्रिल सब लग गया है। अभी यहाँ से बम्पर कसना है और अभी एयर फिल्टर का बॉक्स वगैरह लगेगा। गाड़ी ठीक से आइडल कर रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब इसको स्टार्ट करके छोड़ेंगे थोड़ी देर, इंजन को रवा करेंगे, उसके बाद प्रॉब्ली कल या परसों कस्टमर को ये दी जाएगी। एंड सब काम ठीक से हो गया, आइडल ठीक से कर रही है। इंजन साउंड मैं अभी आपको थोड़ी देर में सुना दूंगा अगर मैं यहाँ रहा, बिकॉज कल है मेरी वाइफ का बर्थडे। सो आई हैव टू गेट होम, प्लान फॉर टुमारो। और कल भी मैं नहीं आ पाऊँगा तो अगर ये गाड़ी कल चली गई देन आई वोंट बी एबल टू शो यू। तो देखते हैं, बाकी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि इसका टोटल बिल जो है वो कितना बना। ओके गाइस, सो फाइनली जो सियार है वो रेडी होकर जा चुकी है। एंड अब बात कर लेते हैं इसके टोटल बिल की, इसमें जो हमने इंजन का इतना सारा काम किया इसमें टोटल कितना खर्चा आया है। सो गाइस, टोटल बिल वॉज अराउंड 55,260 रुपीज़, 55,260 रुपये इसका टोटल बिल आया है जितना भी हमने काम किया इंक्लूडिंग लेबर एंड एवरीथिंग। सो यार दैट्स वीडियो ऑन इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस आउट। जूम बूम मत करे ना। सही है, तोड़ दे एक्टिवा, तोड़ दे, आजा तेरे को भी वीडियो में लेते हैं आज। क्यों चल चलना ऑन करो। आ गया सामान तुम्हारा।